व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मोस्ट अवेटेड वीडियो था ये, थोड़ा मैंने रिसर्च भी किया तो एक अच्छी खबर भी है और कुछ बुरी खबरें भी हैं आप सबके लिए। मतलब सुन के डिसहार्टेड मत हो जाना, बट या थोड़ा सा आपको लगेगा कि यार ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं। देखो मैं सच बोलने आया, मैं ये बोलने नहीं आया कि हाँ भाई सबको सेकंड राउंड में कॉलेज मिल जाएगा, आपको 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 सबको मिल जाएगा, ऐसा मैं नहीं कह रहा, मैं सच बताने आया हूं, ठीक है? तो थोड़ा ध्यान से सुनना। अच्छी खबर ये कि मैंने नोटिस किया है बहुत से बच्चे, लाइक इवन एक दो बच्चे जिन्हें SGDB खालसा, इंद्रप्रस्थ कॉलेज जैसे कॉलेज मिले हैं, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी की सीट एक्सेप्ट नहीं कर रहे, छोड़ के जा रहे हैं। मतलब सीट्स बचने वाली है, बात तो तय है। और ये भी नहीं कि किसी गंदे कोर्स के लिए, बंदों को बीकॉम मिला है, बीकॉम प्रोग्राम मिला है, ऑनर्स मिला है, तब भी छोड़ रहे हैं। उनका यह कि भैया हमको तो SRCC हिंदू आंसर चाहिए था, वरना हम अपनी स्टेट छोड़ के, कुछ लोग बहुत दूर रहते हैं कर्नाटका वगैरह स्टेट टाइप की हैं, तो उनका यह है कि हम अपनी स्टेट यूनिवर्सिटी में पढ़ लेंगे, यहां भी अच्छी अच्छी स्टेट यूनिवर्सिटी है, अगर हमें दिल्ली यूनिवर्सिटी का टॉप नहीं मिलता हम नहीं आ रहे। या फिर कुछ का ये प्लान है भाई, हम CS कर रहे थे, हमने तो ऐसे ही भर दिया, अब हमारा प्लान चेंज हो गया, हम नहीं आएंगे। तो बहुत से मेरे जान के बच्चों ने ऐसा किया है, जान पहचान के। तो इससे एक बात क्लियर हो रही है कि बड़ी बड़ी प्रोमिनेंट सीट्स जो है, प्रोमिनेंट कॉलेजेस में जो सीट है वो भी खाली हो रही है। तो अब देखो ये नहीं होगा कि सारी सीटें खाली हो जाएंगी, 90 मतलब देखो इस बार उन्होंने बंपर एलोकेशन किया है, वैसे तो ये हर बार ही होता है, कोई इसमें ज्यादा परेशान नहीं होना कि भाई बहुत सीट एलोकेट कर दिए सबको दे देंगे क्या, ऐसा कुछ नहीं है। एट दी एंड बच्चे उतने ही रहने वाले, आधे लोग निकल जाते हैं, उन्हें ही पता है, इसलिए बंपर एलोकेशन हो जाती है। तो एक तो चीज दिख रही है कि बहुत से बच्चे मूव आउट कर रहे हैं इस प्रोसेस से, और सबसे बड़ी चीज कुछ लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ना गलत दिखा रहा है। दो तीन मेरे जान पहचान के बच्चों का कास्ट सर्टिफिकेट गलत दिखा दिया, कह रहे हैं दो दिन में ठीक कराओ, पॉसिबल है? दो दिन में किसी का कास्ट सर्टिफिकेट ठीक होता है क्या? तो ओबीसी एनसीएल वालों की और SC ST वालों की सीट्स तो खाली होंगी, ये बात तो तय है और वो तो होती है, बट यहाँ थोड़ा सा ज्यादा फोकस मैं जनरल पे करूंगा, बिकॉज उनकी सीट्स बहुत ज्यादा हाई कट ऑफ वाली होती है, बिकॉज बहुत ज्यादा बच्चे जनरल के अप्लाई भी करते हैं तो उनमें मार्क्स ज्यादा होते भी हैं। तो अब ये तो खैर एक बून भी है और एक वो भी है, कर्स भी है कि यार जनरल के बच्चे मार्क्स बहुत हाई स्कोर कर देते हैं, 800 से 800 ला के रख देते हैं, फिर कहते हैं कट ऑफ हमारी हाई आई है। तो भाई हम लोगों ने हाई कराई है, अब अच्छे मार्क्स लाओगे तो कट ऑफ हाई हो जाएगी, अच्छे मार्क्स वाले ज्यादा हैं जनरल में। मैं कंपेरिजन नहीं कर रहा हूँ कि ओबीसी ST में नहीं है, वहां भी है, बट कंपेरेटिव नंबर देखा है तो जनरल का हाई इसलिए ज्यादा, बिकॉज यहाँ पे ज्यादा हाई स्कोरर्स होते हैं। तो बात तो ये नहीं है, बात मेन ये है कि कुछ बच्चे अभी मूव आउट कर रहे हैं तो सीट्स खाली होंगी। मैं सोच रहा हूँ भैया आप तो फर्स्ट राउंड के बाद तो सिर्फ घटिया सीटें बचेंगे, हम क्यों, हम भी ड्रॉ करके निकल जाते हैं, हम अब देखेंगे ही नहीं। नहीं नहीं नहीं, बहुत प्रोमिनेंट सीट्स भी खाली होने वाली, तो जरूर सेकंड राउंड को देखना। लेकिन अब बुरी खबर सुनते जाओ, कॉमर्स के बच्चों के लिए भाई इससे ज्यादा कट ऑफ मैंने कभी आते हुए देखी नहीं है। मतलब बीए प्रोग्राम का कॉमर्स प्लस इको कॉम्बिनेशन, हंसराज में बीए प्रोग्राम का कॉम्बिनेशन, उसकी भी पहली कट ऑफ 760 है जनरल के लिए, बीए प्रोग्राम भी 760 में मिल रहा है, PGDAV कॉलेज इवनिंग, इस तरह के कॉलेज में बीए प्रोग्राम का कॉम्बिनेशन कॉमर्स प्लस इको, उसी कट ऑफ भी 600 से ऊपर है। मतलब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि यार 600 से ऊपर अगर आपके मार्क्स है तो आपको नॉर्थ कैंपस में बीए प्रोग्राम तो मिल सकता है, भाई नहीं मिल रहा, ऑफ कैंपस में नहीं मिल रहा। मतलब कॉमर्स के बच्चों की इस बार बहुत बुरी हालत है, क्योंकि लोग बहुत अच्छे मार्क्स ले आए हैं, बिजनेस में 8000 लोगों के 200 से 200 हैं, सिर्फ एक इंग्लिश कॉमर्स को पीछे नहीं खींच पाया, ये बात देखने को मिली। मतलब 10-20 नंबर का फर्क पड़ा है, पर वो टॉप में पड़ा है ना, उससे उतना कोई फर्क पड़ नहीं रहा यार। ऑफ कैंपस की कट ऑफ भी 650 के नीचे जानी थी, जो लोग 400 नंबर पर वेट कर रहे हैं कि हम बीए प्रोग्राम तो कर ही लेंगे, कॉमर्स के हो तो मुश्किल है। सच बोल रहे हैं, मैं यहाँ पे डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, सच बता रहा हूँ, क्योंकि जहां ऑफ कैंपस के इवनिंग कॉलेज की कट ऑफ 600 प्लस है और सारी सीटें उन्हें एलोकेट कर दी तो कितनी खाली हो जाएंगी। बट उसमें हो सकती है, बिकॉज होता क्या, 90% बच्चे जाते ही नहीं ऑफ कैंपस, और इवनिंग तो कोई जाता ही नहीं, सब विड्रॉ कर लेंगे या अपग्रेड कर देंगे, तो उसमें सीट मिल सकती है, चांस है। लेकिन आपके 300-320 नंबर तो चांस थोड़ा सा कम है मैं कहूंगा, लेकिन वेट जरूर करना ये वीडियो देखे, ये नहीं कि निकल जाओ, मैं एक रियलिटी चेक देने आया हूं। ये मत उम्मीद करना कि अगर आपके 500 नंबर आप नॉर्थ कैंपस जा रहे हो, जनरल के लिए क्लोज टू नामुमकिन है, मैं कह रहा हूं कट ऑफ थोड़ा गिरा है, लेकिन बिजनेस वालों के लिए तो नामुमकिन ही कहूंगा कि आप 500 में नॉर्थ कैंपस जाओगे, कोई चांस नहीं बनता। हाँ, अगर आप हिंदी प्लस संस्कृत या उर्दू ऐसा कर लो तो शायद चले जाओ। तो एक चीज मैंने देखी कि कट ऑफ जो है वो गिरी है, बट कॉमर्स के लिए नहीं गिरी है। और कहाँ गिरी है, लाइक आर्ट्स के कुछ ऐसे कोर्सेज लाइक सोशियोलॉजी ऑनर्स वगैरह में थोड़ी सी कट ऑफ गिरने देखने को मिली है, कि पहले राउंड में सोशियोलॉजी ऑनर्स मिल रहा है बंदों को इंद्रप्रस्थ कॉलेज में, या फिर इवन वेंकी कॉलेज में भी मिल जा रहा है 740 नंबर पर। तो जनरल के लिए अच्छी बात है कि 750 के नीचे आ गया पहले ही राउंड में, तो सेकंड में गिर सकता है। लेकिन एक और बात ध्यान रखने की, जो लोग उम्मीद कर रहे हैं कि भैया मेरे ना 650 नंबर है, 700 पे वो कॉलेज है, 710 पे अगले राउंड में मिल जाएगा, 50-60 नंबर कट ऑफ एक ही राउंड में गिर जाए दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे कॉलेज में, जैसे यूनिवर्सिटी में, और वो भी प्रोमिनेंट कोर्सेज में लाइक ऑनर्स के कोर्सेज में नॉर्थ कैंपस में, ये मैं तो नहीं कह पाऊंगा कि हो पाएगा कि 50-60 नंबर कट ऑफ एक ही राउंड में गिर जाए, नहीं गिरेगी। जनरल में बहुत बच्चे हैं, ट्रस्ट में बहुत बच्चे अप्लाई करते हैं, इतनी कट ऑफ एक राउंड में नहीं गिरी। बच्चे पूछते हैं कितना राउंड में कट ऑफ गिरता है, गिरने को तो बहुत गिर जाता है, बीए प्रोग्राम के कॉम्बिनेशन में सब लोग ही वेकेट कर देते हैं, सब लोग ही अपग्रेड कर देते हैं, तो उसमें बहुत गिर सकती है, तो वहां उम्मीद लगाओ। पर अगर आप सोचो नॉर्थ कैंपस में ऑनर्स के कोर्सेज के लिए कट ऑफ गिर जाएगा 50-60-100 नंबर एक ही राउंड में, एक राउंड में तो इतना पॉसिबल नहीं है मेरे हिसाब से।
अकॉर्डिंग टू मी। तो वेट करना है, लेकिन ये मत सोचो कि हम अपने बैकअप्स पर काम नहीं करेंगे, कट ऑफ थोड़ी 10-20 नंबर नीचे हुई है तो मिल जाएगा। सबके लिए नहीं है ये कि मिल जाएगा, बैकअप्स पे काम जरूर कीजिए, जरूर 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 कीजिए। जनरल से हो तो बेटा 100% करो, मैं खुद जनरल से हूं, मैं समझ सकता हूं। मैंने 2 बार सीवीटी का खेल खेला हुआ है, मुझे पता कट ऑफ कितनी गिरती कितनी नहीं गिरती। फर्स्ट सेकंड राउंड के बाद मूवमेंट बंद हो जाती है, जनरल की तो समझ लो बंद ही हो जाएगी। सेकंड राउंड आपके लिए आखिरी चांस होने वाला, उसके बाद जनरल की सीटें बचती नहीं अच्छे कोर्सेज में, अच्छे कॉलेजेस में। फिर एकदम इवनिंग बचेंगे, वो भी गंदे गंदे कॉम्बिनेशन, इवनिंग में भी लोग छोड़ते नहीं है वैसे सीटों को, जनरल का ये हाल हो जाता है। तो मेरे हिसाब से तो बहुत ज्यादा इस पर रिलायबल रहना अब ठीक नहीं होगा। डिमोटिवेटिंग वीडियो लग रही होगी बट सच यही है, इसके भरोसे खराब मत करो अपना कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में घटिया कॉलेज मिल जाएगा वहां भी पढ़ लेंगे। इससे अच्छा अपनी स्टेट यूनिवर्सिटी में पढ़ लो, पैसा है तो प्राइवेट से ही पढ़ लो यार, फिलहाल के लिए पार्शियल ड्रॉप ले लो, अगले साल फिर से पढ़ लेना, फिर से ट्राई कर लेना। बट मैं नहीं कहूंगा कि बहुत चांस है बच्चों को बंपर सीट एलोकेशन हुई है, आपके लाइफ बना देगा दिल्ली यूनिवर्सिटी, आप नहीं बना पाएगा। जनरल को सीट देना बड़ा मुश्किल हो जाता है यार, मैं सच बताने आया हूं। तो फिलहाल चांस बनता है क्योंकि बहुत से बच्चे विकेट कर रहे हैं, तो सेकंड राउंड में चांस बनता है, जो सीटें विकेट कर रहे हैं वो आपको मिल जाएगा। अगर थर्ड राउंड हुआ तो वो एक बड़ा चांस हो सकता है, बिकॉज सेकंड राउंड में बहुत से बच्चे विकेट करके निकल जाते हैं कि यार अच्छी सीट नहीं मिली, छोड़ देते हैं। तो उनके लिए क्या अच्छी सीट नहीं, उन्हें साउथ के बाद अच्छा नहीं लगता, वो चले जाते हैं, तो वहां हम लोग घुस सकते हैं। तो अगर थर्ड राउंड होता है तो जनरल वेरी गुड, मौका बनता है। अगर नहीं हुआ तो जनरल का सेकंड राउंड पे ही केस खत्म हो जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली कोई सीट बचती नहीं है आपके लिए। बाकी अगर आप ओबीसी एनसीएल है एससी एसटी तो आपके लिए सीट ऑब्वियसली बचने वाली है। बहुत से लोगों का कास्ट सर्टिफिकेट डिक्लाइन हो रहा है, आपकी सीट मिलने ही वाली है, 100% मिलेगी। बहुत लोगों का डिक्लाइन हो रहा है, बहुत लोग मूव कर जा रहे हैं, कोई यहां पढ़ रहा है कोई वहां पढ़ रहा है, बहुत लोग सीट वेकेट कर रहे हैं, तो वो आपको मिल सकती है। तो कैटेगरी से हो तो आपके लिए चांस काफी बनता है, जनरल से तो चांस कम है लेकिन अभी है, सेकंड राउंड में चांस है, बहुत नहीं है। ओके, फिलहाल सेकंड राउंड तक ज्यादा घबराना नहीं है। जिन लोगों को कॉलेज मिल गया है, पीजी से और ढूंढ रहे हैं, तो उसके लिए हेल्प आती रहेगी वीडियो पे, चैनल पे। और अगर कोई और अपडेट आएगी मेरे पास तो मैं आपको जरूर दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो। अगर कोई मौका दिखता है, वेकेंट सीट की लिस्ट आने के बाद एक मौका बनता है, तो वेकेंट सीट की लिस्ट आने के बाद मैं जरूर कोशिश करूंगा कि आपको एक अच्छी डिटेल वीडियो बनाकर दूं कि भाई ये सीट बची है इस कॉलेज में, इसमें क्या किसका मौका बनता है, कितना मार्क्स कट ऑफ गिरेगा, वो कब बताऊंगा वेकेंट सीट आने के बाद। और प्रेफरेंस रीऑर्डर पे मैं बहुत ज्यादा फोकस करने को नहीं कहता, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। कुछ गलती कर दी तो ठीक कर लो, बट ऐसा कुछ मत करना कि किसी कॉलेज को गंदे कॉलेज को ऊपर कर दिया उससे कॉलेज मिल जाएगा, ऐसा कुछ होता नहीं है, डोंट वरी। ठीक है, तो प्रेफरेंस रीऑर्डर पर ज्यादा फोकस मत करो, फोकस करना वेकेंट सीट्स आने के बाद, देखते हैं क्या मिलता है क्या नहीं मिलता। तो फिलहाल घबराना नहीं है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, वेकेंट सीट्स आने के बाद मैं बताऊंगा कैसे क्या करना है, क्या रीऑर्डर करना है क्या नहीं करना है। ओके, फिलहाल के लिए ऑल द बेस्ट फॉर द सेकंड राउंड, लेट्स जस्ट सी, क्या पता सीट्स बहुत सी वेकेंट हो जाए, आपको सीट मिल जाए।